हेलो एवरीवन, वंस अगेन आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पॉकेट नोवेल की एक स्टोरी रिव्यू, जिसका नाम है कशिश अक्षत की उलझन। एंड इस स्टोरी की ऑथर हैं अंकुरी साहू। एंड इस स्टोरी का टाइटल है, ये कहानी है कशिश की, जो एक अनाथ है लेकिन उसे एक नेक परिवार ने पाला पोसा, बड़ा किया। वो लोग उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन एक रोज़ कुछ ऐसा हुआ जिससे मजबूरी में ही उसे 18 साल की ही उम्र में करा दी गई थी उसकी शादी। अक्षत ओबेरॉय, जो उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था, एक मकसद के लिए कर रहा था शादी, लेकिन इन सब में कशिश उलझ गई थी, जिससे अक्षत उससे ही अपना मकसद पूरा कराने का फैसला करता है। लेकिन वो इन सब से बेखबर था कि कशिश उसे चाहने लगी। क्या कभी समझ पाएगा अक्षत कशिश को, कैसा होगा ये प्यार का नया सफ़र, जानने के लिए आपको पॉकेट एफएम पढ़ना होगा। इस स्टोरी की बात करें तो इस स्टोरी में जो हमारी कशिश है वो एक अनाथ लड़की है, जैसे कि मैंने आपको बताया, पर एक परिवार ने उसे अडॉप्ट किया था, जहां उसे अच्छे से पाला पोसा गया। पर कशिश को नहीं पता था कि उसमें भी है कई राज, कि उस परिवार ने उसे क्यों पाला। एंड मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जो कशिश का परिवार है वो उसे मजबूर करके उसकी जो शादी है वो अक्षत ओबेरॉय से करा देते हैं अपनी बेटी की जगह। बेटी की मतलब जो इस स्टोरी में जो उसका परिवार है वो अपनी बेटी को मंडप से हटाकर कशिश को बिठा देता है, एंड जो अक्षत ओबेरॉय है उससे शादी करवा देता है, क्योंकि अक्षत ओबेरॉय है उस परिवार का सबसे बड़ा दुश्मन। वो सिर्फ बदला लेने के लिए शादी कर रहा है। ये बात जो राशि है, जो इस जिसकी शादी पहले अक्षत से होने वाली होती है, राशि एंड के पापा को पता चल जाता है कि जो अक्षत है वो सिर्फ बदला लेने के लिए ही शादी कर रहा है, तो वो राशि के जगह कशिश को बिठा देता है मंडप में और इनकी शादी हो जाती है। अक्षत कशिश से भी नफरत करता है, एंड उसे सारा सच पता है कि कशिश उस परिवार की सगी बेटी नहीं है, पर वो कशिश को भी दर्द देना चाहता है, एंड दर्द देता भी है। अक्षत की क्या दुश्मनी है उस परिवार से, ये जानने के लिए तो आपको इस स्टोरी में जो हम पढ़ना पड़ेगा इस स्टोरी को। एंड अब बात करें, अक्षत पहले कशिश से प्यार का नाटक करता है, एंड फिर उसका दिल तोड़ देता है, एंड जिससे हमारी जो कशिश है वो टूट जाती है। एंड कशिश का कैरेक्टर जो है वो काफ़ी मासूम है, एंड वो बाहर की दुनिया से इतना मतलब नहीं जानती है उधर, पर जो हमारे अक्षत है वो उस टाइम पे ऐसा होता है उसके साथ कि एक समय ऐसा आता है कि हमें पता होता है कि हम गलत हैं, पर हम चाह कर भी पीछे मुड़कर नहीं देख सकते। यही हाल उसका हो जाता है। एंड जो अक्षत है, जो अक्षत का परिवार की बात करें हम, तो अक्षत का परिवार जो है वो कशिश से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, एंड उसकी परवाह करता है, एंड उसे हमेशा सपोर्ट करता है। एंड अक्षत कशिश के परिवार को बर्बाद कर भी देता है, एंड इस स्टोरी में कर देता है, वो सक्सेसफुल हो जाता है अपना जो भी बदला था उसमें, एंड उसका बदला पूरा हो जाता है। पर जब अक्षत कशिश की मासूमियत एंड उसके प्यार को समझता है, तो उसे बहुत गिल्ट मतलब रिग्रेट होता है अपने किए पर, गिल्ट फील होता है। एंड इस स्टोरी में ऐसी कोई मतलब ज़बरदस्ती या फोर्स्ड जैसा कुछ नहीं है, पर ये बात मुझे अच्छी लगी, जो इस शब्दों से ही मतलब जो है अक्षत ने हमारी जो कशिश का दिल तोड़ा है ना, वही मतलब बहुत ज़्यादा टॉर्चर वाला है। एक्चुअली मैं आपको बताऊं तो जो ये स्टोरी है वो मैंने काफ़ी टाइम पहले पढ़ी थी, मुझे काफ़ी पसंद भी आई थी, एंड इसलिए मैं आपके साथ इस स्टोरी का रिव्यू शेयर कर रही हूँ। एंड मैं इस स्टोरी को थोड़ा भूल भी गई हूँ, बट मुझे इस स्टोरी के जो कैरेक्टर थे वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आए हैं, मुझे हर कैरेक्टर अच्छा लगा। एंड इस स्टोरी में जो हर कैरेक्टर है मैं उसके बारे में इतना पता तो नहीं पाऊंगी, लेकिन आप इस स्टोरी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि मतलब स्टोरी कैसी है एंड कैरेक्टर क्या क्या है। इस स्टोरी में आपको एक लड़की का अपने ससुराल वालों का
प्यार, मतलब कशिश का जो ससुराल है, मतलब मस्त, भले ही पहले अक्षत कशिश को सिर्फ मकसद पूरा करने के लिए शादी की थी, पर धीरे धीरे कशिश अक्षत के दिल में अपने लिए जगह बनाती है। सेकंड, दोस्ती, ननद भाभी का प्यार एंड कुछ बिजनेस राइवल्स भी है, एंड अक्षत के पीछे दो तीन लड़कियाँ भी हैं, एंड ये क्या क्या करेंगी ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। एंड कशिश का पास्ट, ये सबसे बड़ी बात है कि जो कशिश है वो कौन है एक्चुअली में, एंड ये भी खुलेगा तो आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। एंड अक्षत एंड कशिश का रोमांस भी देखने को मिलेगा, एंड रोमांस तो आपको बहुत टाइम बाद देखने को मिलेगा, बट मुझे ये स्टोरी काफ़ी पसंद आई। एंड इस स्टोरी में अभी 212 एपिसोड हैं आई थिंक, एंड स्टोरी पूरी हो चुकी है, एंड स्टोरी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, एंड इसका जो एंडिंग है वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, स्टोरी काफ़ी अच्छी लगी मुझे। एंड मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इस स्टोरी को पढ़ें, एंड पढ़कर मेरे साथ रिव्यू ज़रूर शेयर करें कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी।